आपको क्या लगता है जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में गाड़ियां उड़ती है वैसे ये गाड़ी उड़ेगी? तो गाइस आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में स्कॉर्पियो ब्लास्ट होने वाले जिस वीडियो को देखा, आप भी अगर दोस्तों अपने ब्लॉग पे इस तरह का एडिटिंग दिखाओगे तो फ्रेंड्स आपका जो ऑडियंस है आपके ब्लॉग को लंबे समय तक देखेगा। और आपका अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या पता आपका ब्लॉग वायरल हो जाए और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सकता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो वीडियो शूट करने का जो तरीका है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वीडियो को सही से शूट कर लोगे तो आपका जो वीडियो है चुटकी में बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चुटकी में ही बन जाएगा। आप गाइस यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने अपना जो फोन है पहले ट्राइपॉड में माउंट किया है, यानी एक जगह पे मैंने अपने फोन को स्टेबल होकर रख दिया है। उसके बाद मैं अपना HF डीलक्स को लाया हूँ और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे भाई के पास फोर व्हीलर तो है नहीं, तो क्या करेगा, HF डीलक्स है। HF डीलक्स का यूज करके मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिंग कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पर पीछे तरफ हाथ दिखाया, यहाँ पर मैं पोज हो गया हूँ। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक बंदे को मैंने कहा है कि भाई जाके मेरा जो बाइक है फ्रेम से बाहर कर दे, तो बंदा क्या किया, फ्रेम से बाहर कर दिया है। जैसे फ्रेम से बाहर गया मैं वापस से अपना एक्टिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। तो इस टाइप से आपको जो अपना वीडियो है शूट कर लेना होगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं कियो, इतना दूर देख लियो, अभी तो शुरुआत है गाइस, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए बिना किसी तरह के मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको वहां पर दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए काइनमास्टर ऐप का यूज करूंगा। अगर दोस्तों आप लेटेस्ट काइनमास्टर डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। आपको भी दोस्तों अपना जो वीडियो है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो का जो पहला काम, आप वीडियो का वॉल्यूम को आप यहाँ पे जीरो कर दीजिएगा। जीरो करने के बाद साथियों अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा। प्ले करके गए देख सकते यहाँ पर बाइक को मैंने लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर कैमरे के सामने आऊँगा, आने के बाद मैं यहाँ पर दो चार बातें यहाँ पर बोलूँगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं बाइक को पीछे तरफ दिखा रहा हूँ, इस जगह पे दोस्तों आपको यहाँ पर आना होगा अपने वीडियो में जहाँ पर आप दिखा रहे हो। इस जगह पे आने के बाद साथियों आपको यहाँ का एक फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चर एनसेबल ऑप्शन को आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और आप यहाँ पर अभी वीडियो पर क्लिक करके कैंचीबल ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप स्प्लिट कर दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जिस बंदे को दोस्तों मैंने कहा था कि बाइक यहाँ पर निकाल लो, तो देख सकते हो मैं यहाँ पर फ्रीज हूँ और ये बंदा यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर मेरा जो बाइक है निकाल दे रहा है। निकालने के बाद जैसे ही फ्रेम से ये बाहर चला जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर रिएक्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते यहाँ से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर जैसे इस तरफ मुड़ा यहाँ से मैं करूँगा। अब फाइल पर क्लिक करके ये जो मेरा पार्ट है मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, सो पहले मैं इसको स्प्लिट करूँगा, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर अभी मैं हटा लूँगा। हटाने के बाद साथियों अभी आप यहाँ पे अपने वीडियो में जितना दूर तक एक्टिंग किए उतना दूर तक का पार्ट गाइस आप यहाँ पर रखिएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप यहाँ पर हटा लीजिएगा। हटाने के बाद साथियों अब आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा जहाँ पर गाइस आपको बैकग्राउंड इरेजर ऐप का लिंक मिल जाएगा। आपको दोस्तों इस वाले ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यहाँ पर अभी ओपन कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लोड ए फोटो पर क्लिक करना है, देन आपने जो यहाँ पे फोटो कैप्चर किया है वो फर्स्ट में दिखेगा, उस वाली फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब कुछ इस टाइप से गाइस जहाँ पर आपको बाइक या फिर कार हो या फिर जो भी व्हीकल हो उसको गाइस आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, देन आपको डन पे क्लिक करना होगा। अब डबल फिंगर की मदद से गाइस अभी आपको अपना जो फोटो है इसको बड़ा आप यहाँ पर कीजिएगा। यहाँ पर गाइस नीचे जितने सारे टूल्स है इन सारे टूल्स का यूज़ करके कुछ इस टाइप से गाइस अभी आपको यहाँ पर अपना जो व्हीकल का PNG आपको यहाँ पर बना लेना होगा। तो गाइस ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, मैं गाइस यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मैं अपने हिसाब से यहां पर मेरे बाइक का PNG बना लिया हूं। अब आपको यहां पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप गाइस यहां पर इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद दोस्तों वापस से अभी आपको अपने काइनमास्टर पर जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों अभी आप अपने वीडियो में कुछ इस टाइप से इस जगह पर आप यहाँ पर आ जाइएगा जहाँ पर आपका व्हीकल पार्क है। अब आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया वाले ऑप्शन में जाके आपने दोस्तों जो PNG बनाया है उसको आप यहाँ सेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह से छोटा करना है, देन आपका बाइक जहाँ पर है सेम टू सेम आपको उसी के ऊपर इसको भी आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आपको की पे एक बार क्लिक करना होगा, जस्ट थोड़ा स्लाइड कीजिए थोड़ा, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस का मार्क सेलेक्ट कीजिएगा, इसको सीधा सीधा आप यहाँ पर ऊपर तरफ आप यहाँ पर उठा लीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा,
मीडिया वाले ऑप्शन पे जाके आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहां पर गाइस ये जो ब्लास्ट वाला ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो इसका लिंक मिल जाएगा। आपको दोस्तों इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद साथियों आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। यहाँ पर आप मास्क को इनेबल कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप राउंड कीजिएगा, ठीक है। राउंड करने के बाद बैक कीजिएगा, फेदर को आप पूरा बढ़ा दीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्रोमाकी का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको क्रोमाकी वाले ऑप्शन पे जाके इसको आप यहाँ पर इनेबल कर दीजिएगा। जहाँ पर गाइस आपका बाइक पार्क था उसी जगह पे गाइस इसको भी आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से रख दीजिएगा। रखने के बाद अब अगर मैं अपने वीडियो को शुरू से प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरा वीडियो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। यहाँ पर जो बाइक है मैंने पार्क किया, अब मैं यहाँ पर कैमरे के आगे तरफ मैं यहाँ पर आऊँगा। आने के बाद मैं अपना प्रवचन यहाँ पर सुनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रवचन सुना रहा हूँ और जैसे गाइस मैं यहाँ पर बाइक को अपना पीछे तरफ दिखाऊंगा तो देख सकते हो गाइस मेरा बाइक यहाँ पर उड़ जा रहा है। तो कितना बढ़िया यहाँ पर सीनअप बना है। अब साथियों वीडियो को सेव करने के लिए आपको शेयर पर क्लिक करना है। 1080 60 FPS पर अपना वीडियो को आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरा लास्ट दो वीडियो को ये 10 हो गया, अगर आप दो वीडियो को नहीं देखे हो तो आप इन दोनों जगह पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको मेरा चैनल का लोगो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रेटिंग वाले वीडियो के टिटल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।